नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत सुंदर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि आप लोगों के पास में जो भी जानकारी है हमारे तरफ से आप लोगों को डायरेक्ट मिलती रहे और आपके घर में खुशियाँ मिलती रहे और जितनी भी बीमारी है पेट की और रोग समस्या वो हमेशा के लिए मिट जाए। दोस्तों अगर आप लोगों को पेट की समस्या है तो पैसा भी बचेगा और कम समय में अच्छा खाना और सुंदर खाना खाइएगा तो तरह तरह की बीमारी होने वाली होगी वो बिल्कुल नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि तरह तरह के गर्मियों के मौसम में खाना खाना पसंद करते हैं, डलडा खाते हैं, तरह तरह के तेल खाते हैं, तरह तरह के मसाले खाते हैं और पेट खराब होता है और जितना भी पैसा होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, तो फायदा क्या होता है? कुछ नहीं। इसीलिए अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो दो तरीका मैं बताता हूं, अपनाइए खिचड़ी और अपनाइए हम दो हमारे दो और जीवन सुखी बनाइए। इसका माने हुआ कि खिचड़ी अगर आप लोग खाते हैं तो पेट की प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। गर्मियों के मौसम में जितनी भी बीमारी होती है वो पेट के जरिए होती है और आपके लीवर सिस्टम पूरा स्ट्रांग है, टाइट है, सुंदर है, कुछ भी खाते हैं पच जाता है। तो उसके लिए भाई कुछ भी खाइए, आपके तो जवाब ही नहीं। अगर आपके पेट खराब है तो आप खिचड़ी अपनाइए और सभी रोग को अंत कर दीजिए। एक बार खिचड़ी बनाइएगा तो सुबह खाइएगा, 12 बजे खाइएगा, उसके बाद में रात के समय में थोड़ा सा मीट हो गया या कुछ भी हो गया उसके साथ में आप लोग रोटी दो खाएंगे तो आपके पेट की समस्या हमेशा के लिए मिट जाएगी। और बाल बच्चे को मैं बताना चाहूंगा कि एक से दो अपनाइए और जीवन सुखी आनंदी बनाइए, क्योंकि एक लड़का लड़की में बहुत पैसा लगता है पढ़ाने में। एक लड़का हो गया तो समझिए कि शादी करने में, विवाह करने में 5 लाख रुपया लगेगा, या लड़की हो गई तो समझिए कि लड़की एक हो गई तो 5 लाख लगेगा, दो हो गई तो 10 लाख। ये कोई बताने वाला अच्छा आचार्य? किसी को पैसा देने से कोई आगे नहीं बढ़ता है। मास्टर लोग क्या करते हैं कि शिक्षा स्कूल में देते हैं बच्चे लोगों को, तो उनकी पढ़ाई जो है वो दिमाग से और शरीर से मेहनत कम, और दिमाग से जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। ऐसा सोचना चाहिए कि अगर हम लोग ज्यादा बाल बच्चे को जन्म देते हैं तो हम लोगों को घर बनाने की जगह कहाँ से आएगी? बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, बुद्धिजीवी लोग जिनके पास में शिक्षा है, बड़े और छोटे में कुछ नहीं रखा है, जिनके पास में शिक्षा है वही बड़ा है, वही पंडित कहलाता है। ये नहीं कि कोई भी अपना समझिए कि जनेऊ पहन लिए और हम पंडित हो गए, वो बात नहीं है। इसमें पंडित ब्राह्मण लोग क्या करते हैं कि ज्यादा बहुत सभी लोग कि दूध दही खाना पसंद करते हैं। दूध दही से ये फायदा मिलता है कि गर्भवती औरत को दूध खिलाने से ये फायदा होता है कि होने वाला जो बच्चा होता है वो गोरा होता है। तो शादी करने के समय में कोई भी देखने सुनने जाते हैं तो उस समय कहते हैं कि हाँ ये लड़का अच्छा है, गोरा है, तो कोई देखने के लिए इसीलिए जाते हैं कि अच्छा है उसी से शादी करेंगे, ये नहीं कि खराब है उससे शादी करेंगे। खराब के लिए अगर होता तो कभी का कर लिया होता कोई भी आदमी शादी। लेकिन इसीलिए आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि पेट की समस्या दूर करना है तो खिचड़ी अपनाइए और हम तो हमारे अपनाइएगा तो आपको घर बनाने की जगह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मानव जो है वो अपने मिलजुल करके भाई भाई है हमेशा के लिए, इसमें कोई भी तनाव और इतराज की कोई बात नहीं है। नहीं तो पहले के जमाने में कुछ नहीं होता था। हम सब लोग जो है इतिहास के जरिए मैं बता रहा हूँ कि इतिहास में जो लिखा है वो कि सब लोग बंदर थे, लेकिन एक ऐसा जगह था कि वो बंदर जो था वो बहुत तेज था, लेकिन वो कूदते फांदते कुछ लंगूर को देख करके और कुछ दूसरे को पशुओं को देख करके उसने कूदना खेलना सब सीख लिया और उसके बाद में वो अच्छा अच्छा खाना खाना शुरू कर दिया तो वो मनुष्य की तन जो है वो हो गई। और उसके बाद में मनुष्य के तन होने के बाद में हम लोगों को मनुष्य की तन मिला, उसके बाद में हम लोगों को लगता है कि ऐसे ऐसे ज़्यादा जनसंख्या के कारण खाना पीना नहीं मिलेगा तो क्या करेगा आदमी कि पेड़ पौधे के पत्ते जो है वो चबाना शुरू कर देगा। जैसे कि जो महंगाई है, एक कोरोना वायरस क्या है वायरस, ये तो कोई नहीं कह रहा है कि आजकल बाल बच्चा कम होना चाहिए, सब कोई भी है अपने फेर में लगा है कितना होना चाहिए। दुकानदार लोग है कि सोचते हैं कि कम होगा दूसरे को जनसंख्या तो हमारी कम्युनिटी में बढ़ोतरी नहीं होगी, वैसे ऐसे बहुत लोग है। तो किसी को शिक्षा और किसी को कहने में मत आइएगा, क्योंकि अपना जो है अपना नियम से काम कीजिएगा कि हमारे
हमको कैसे चलना है, कैसे फिरना है, कैसे रहना है। दूसरे के बाल बच्चे को देख करके जलना भी नहीं चाहिए, दूसरे के बाल बच्चे को देख करके जलेंगे, ऐसे कीजिए कि दूसरे को कुछ शिक्षा मिले और शिक्षा से वो आगे बढ़े। अगर महंगाई कम रहेगी तो हम और आप सब आदमी मिलजुल करके अच्छा भोजन कर पाएंगे, नहीं तो एक समझिए कि एक हम है, हमारे देश से चार लड़का लड़की हो गया तो हमारी रोटी अगर चार मिल रहा है तो चार जगह हो गई, तो एक एक रोटी खाने में किसी को पेट नहीं भरने वाला है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे वीडियो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता दुर्गा जी की कृपा से हमेशा आप लोग के घर में और आप लोग के कम्युनिटी में बरकत माता जी देते रहे। थैंक यू दोस्तों, जहाँ भी रहे वहाँ बने रहे, मस्त रहे।